The topic we are to study today is the experimental verification of dual nature. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो स्टडी की थी, जिसमें हमने देखा कि डी ब्रोगली ने हमें एक इक्वेशन दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी. ये हमें डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी. अब ये तो थी इक्वेशन, ये था सारा का सारा काम आपके पास, जिसको हम कहते हैं आम जुबान में मैथमेटिकल या फिर थ्योरेटिकल. लेकिन साइंस के अंदर, कोई भी साइंस हो, उसके अंदर जितनी इम्पोर्टेंस एक्सपेरिमेंट की होती है, जितनी भी इम्पोर्टेंस आप कहें कि एक्सपेरिमेंट की है, वो कम ही होगी. क्यों? क्योंकि जब तक आप एक प्रपोज्ड आइडिए को एक्सपेरिमेंटली अप्रूव नहीं करते, आपका वो आइडिया बेशक कागज़ों में तो ठीक हो, लेकिन वो इतनी वर्थ नहीं रखता. तो डी ब्रोगली ने जो पेश किया, जो डुअल नेचर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली लेकर आया, उसने सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म दी और थ्योरेटिकल चीज़ पेश की, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो किसी और के सर जाती है. दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि आपकी जो सी है डुअल नेचर वो एग्जिस्ट करती है. अब वो दो साइंटिस्ट कौन थे और उन्होंने क्या काम किया, उनको हम देखते हैं. देयर वर टू अमेरिकन साइंटिस्ट्स, जिनका नाम है जी डेविसन एंड जर्मर. दीज टू साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने प्रूव ये किया, जो चीज़ इन्होंने प्रूव की 1927 के अंदर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, क्लासिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके नतीजे में इन्होंने ये शो किया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो डिफ्रैक्शन शो करती है. अब डिफ्रैक्शन जो है ये क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको अगर नहीं भी याद तो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर कोलाइडिंग विद एन ऑब्स्टेकल. किसी भी रुकावट से टकराने के बाद जो आपकी लाइट को बेंडिंग होना कहते हैं, जो वेव्स आपकी लाइट की किसी ऑब्स्टेकल, किसी रुकावट के ऊपर पड़ने के बाद जो बेंड हो जाती हैं किसी एंगल पे, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, एंड दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. अगर कोई चीज़ ये प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो इस प्रॉपर्टी का शो करना उसको वेव डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी है, उसको लाइट डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी है. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इस तरीके से परफॉर्म किया कि जिसके नतीजे में उन्होंने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो परफॉर्म की. उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की बीम को, इलेक्ट्रॉन जो सी है, इलेक्ट्रॉन बीम, इन्होंने इसको फायर किया, फायर्ड ऑन निकल क्रिस्टल. अब इलेक्ट्रॉन बीम का सोर्स क्या था, इलेक्ट्रॉन बीम का सोर्स था टंगस्टन फिलामेंट. टंगस्टन फिलामेंट अब क्या होती है, ये एक बहुत ही बारीक फिलामेंट होती है, जिसको आपने अगर कभी अपने पुराने वाले बल्ब को देखा हो, जिसके अंदर एक फिलामेंट इस तरह की लगी है, तो होती है ये नॉर्मली टंगस्टन की बनी होती है. टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो W होता है, जैसे हमारे पास आयरन का Fe, इस तरह टंगस्टन का W.
तो टंगस्टन की बनी हुई उस फिलामेंट को जब आप बिजली देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है, और जब आप उसको हाई इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की बीम को क्या कर देता है, एक्सेलरेट। अब क्या किया इन्होंने, टंगस्टन फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन बीम जो निकली उसे हाई वोल्टेज दे के एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेटेड बीम को फायर कर दिया निकल क्रिस्टल के ऊपर। और जब निकल क्रिस्टल के ऊपर फायर किया तो उन्होंने जो चीज़ स्टडी की वो थी डिफ्रैक्शन। उन्होंने देखा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक बीम थी दैट गॉट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, जिससे उन्होंने ये डिपिक्ट किया कि आपका जौन सा सिस्टम है वो नेचर पार्टिकल वेव नेचर को जो है वो शो कर रहा है। उसके एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें तो ये उसका एक्सपेरिमेंट है। मैं लॉज इट ऑल राइट, ये जो है इसको आप देखें तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन जहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन फायर करना है। ये जो फिलामेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है आपके पास टंगस्टन फिलामेंट, दिस इज दी वोल्टेज जो के क्या करेगा इस आने वाली जो बीम को, ये जो दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम, तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जो बीम निकल रही है टंगस्टन फिलामेंट से, उसको ये बिजली क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करने के बाद दिस इज द टी टारगेट निकल क्रिस्टल, ये निकल का जो क्रिस्टल है इस तरह का, उसके ऊपर इसको इन्होंने टारगेट किया, और आपके पास एक खास एंगल के ऊपर एक डिटेक्टर अप्लाई किया। अब ये डिटेक्टर कैसे काम करता है, ये आने वाली इलेक्ट्रॉन्स को जो इसके अंदर रिसीवर लगा हुआ है ये रिसीव करेगा। पीछे जो है दिस इज गैल्वेनोमीटर, आपके पास जब इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे तो मतलब उसके अंदर से कॉइल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि उसके अंदर करंट पास करेगा, और जैसे ही करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर जो है ये बेसिकली डिवाइस होती है करंट डिटेक्टर, ये करंट को फौरन जो है डिटेक्ट करेगा, इसकी जो सुई है वो फौरन मूव करेगी डिटेक्टर, ये डिटरमिन करेगा कि करंट जो है वो मौजूद है। इससे पता क्या लगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे रास्ते में, उसके जो टारगेट निकल क्रिस्टल है जो कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल के तौर पे काम कर रहा है, एक रुकावट के तौर पे काम कर रहा है, उसने इसको कर दिया डिफ्रैक्ट, और डिफ्रैक्ट करने के बाद डिफरेंट एंगल के ऊपर एक डिटेक्टर था जिसने उसको डिटेक्ट किया, एंड दिस इज दी डिफ्रैक्शन एंगल। तो इससे ये साबित हुआ कि दिस इज डिफ्रैक्शन एंगल, साबित जो चीज़ हुई वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन बीम ने जो प्रॉपर्टी शो की वो उसने वेव नेचर को जो है वो प्रूव किया, और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये इतना हिट हुआ कि इसकी वजह से इन लोगों को नोबेल प्राइज से भी नवाजा। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स जो के प्रपोज किए थे, क्योंकि डी ब्रोगली को अलहदा नोबेल प्राइज मिला था ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द डी ब्रोगली इक्वेशन। और आपके पास जो डेविसन एंड जर्मर हैं, इनको जो है सेपरेट नोबेल प्राइज मिला, काम दोनों का तकरीबन सेम नहीं है लेकिन उनकी जो थ्योरी है या जो जिस टॉपिक पे उनका काम है वो सेम है, एक की थ्योरेटिकल अप्रोच थी जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला, एंड इनकी जो सी है इन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको जो सा है प्रूव किया, तो इनको जो है एक सेपरेट जो है वो नोबेल प्राइज मिला। इस चैप्टर इस टॉपिक को आप अपनी फिजिक्स में जो है सेकेंड ईयर में जाके और भी डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिक्स सेकेंड ईयर में आप जो है इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकेंगे, ये एक्सपेरिमेंट और ये जो फाई से रिलेटेड जो सी वीडियो आपको पता लगेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही आप जानें कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को निकल के टारगेट के ऊपर बम्बार्ड किया, और उसकी जो सी है डिफ्रैक्शन को स्टडी किया, और ये देखा कि ये जो है आपके पास एक वेव नेचर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो है डुअल नेचर का टॉपिक वो ख़त्म हो गया है।